शेरी शेरी शेर, बड़ा दिन है क्या आज? तुमने कभी सोचा था कि तुम ऐसा इतना नाइश ब्रांड के साथ कर पाएगा? मैंने भी सोचा था, बट जब तुम्हारे साथ आया तब सोचा, उससे पहले नहीं। भाई मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल का टाइम इतना चेंज हो गया है और इतने नाइस तरीके से चेंज हुआ है कि मैं तुमको क्या बताऊँ। मैं तुमको बता सकता हूँ, बट उससे पहले मुझे कैमरा लगा लेना चाहिए। पहले एसी लगा लीजिए। अगर तुम चाबी देगा मैं एसी गया। शबके शबके अरे आज का दिन सच में अच्छा है भाई। क्यों? अच्छे से सेट कैसे हो गया इसे? अरे अरे तो मैंने तुमने कभी वो फोन यूज किया? एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं फोन के ब्रांड के लिए का लॉन्च है फ्लिपकार्ट पे, तो उस पे हमको इनवाइट आया है, उसके लिए हम जा रहे हैं। तुमने कभी वो फोन यूज किया? हाँ मैंने भी किया। फ्लिप वाला? मैंने भी किया है। कौन सा? वो शार्प वाला जो फ्लिप आया था, एकदम स्लीक वाला, वो मोटोरोला जिसके राउंडेड ऐसे एजेस थे? नहीं नहीं, इतना, राउंड नहीं, इतना पतला वाला नहीं, शार्प वाला नहीं किया। मैंने किया था एकदम स्लीक शार्प वाला, जिसके इससे भी कलर डिस्प्ले आता था। हाँ मैंने इससे भी कलर डिस्प्ले फ्लिप पे। अरे बड़ा कूल लगता था भाई फ्लिप वाला फोन वो टाइम पे। कूल तो अभी भी लगता है, मेरे को चाहिए कि वापस आ जाए। हाँ फ्लिप वाला ना एक ऐसे ही फन के लिए रखूंगा। फोन काटने में कितना फन आता है सर। हाँ नहीं बात करना, तुम दूसरे हाथ से काटता था, छोटा था ना। ये तो नहीं, मैं तो स्टाइल में ही काटता था, एक हाथ थम से उठाता था, थम से काटता था। बड़े नहीं बेस, हम लोग जा रहे हैं ये बड़े इवेंट के लिए, तुम लोग को आने का ये वाले बड़े इवेंट में। I'm telling you, this right here is something rare. It's something rare. This is special for me. I came to home. I personally think this is one of the best dance event in India, the craziest dance event in India. मतलब कल ही मैं Instagram पे शेयर कर रहा था चीजों को और मेरे को ऐसा रियल पोस्टर शेयर कर रहा था Instagram पे और मेरे को इतना ऐसा लग रहा था कि शेट पांच फैकल्टीज आ रहे हैं, मतलब पांच वर्ल्ड के बेस्ट डांसर्स, वर्ल्ड के बेस्ट टीचर्स इंडिया में आ रहे हैं। इतना बड़ा बात है, मतलब इतना लाइनअप पूरे वर्ल्ड में किधर भी नहीं हुआ है ये पांचों का एक साथ, क्योंकि ये पांच बहुत नाइस फ्रेंड्स भी है आपस में। और फ्रेंड्स को साथ में लाने का मेरा एक ही इंटेंशन था कि अगर तुम लोग जेन्युइनली फील गुड करते हो अपने फ्रेंड्स के लिए तो तुम लोग ऐसे दिखते हो, इतने स्ट्रांग होने का पोटेंशियल है, क्योंकि क्रम्प हमेशा ऐसा ब्रदरहुड में साथ में ग्रो होने में बिलीव करता है ना। क्रम से यूनाइटेड डांस स्टाइल मेरे को नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में कोई भी है, क्योंकि उसका अपब्रिंगिंग ही वैसा है। तो वही चीज़ प्रमोट करने के लिए भी मैं ये फ्रेंड्स को लेके आ रहा था, और ऊपर से 10 years ऑफ क्रम, इंडियन क्रम मूवमेंट है, तो मेरी तरफ से ये एक ऐसा 10 years गिफ्ट है कम्युनिटी को, लोगों को जो लोग को क्रम करना बहुत पसंद है या इन जनरल जिनको डांस करना बहुत पसंद है। ये चीज़ एक्सपीरियंस करना रियल लाइफ में, लाइव अपनी आंखों के सामने, अपने कंट्री में, अपने देश में, जहां पर तुम्हारे अपने लोग होंगे, तुम घर पे जाके बात कर सकते हो उसके बारे में आपस में, इट्स अ बिग डील। इन लोगों ने भी रजिस्टर करवा लिया ऑलरेडी, मतलब तुम्हारा पैसा वर्थ है रजिस्टर करने का। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को खाली इसमें से कोई भी दो फैकल्टी दे देते तो भी मैं 5,000 भर के चला जाता, यहाँ पर तो 5 फैकल्टीज मिल रहे हैं, ऊपर से 4 दिन का इवेंट, इट इज गोइंग टू बी वेरी ह्यूज, वेरी बिग। एनीवेज मेरा ये निकलना चालू हो गया, इसी के साथ ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते, वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन यूट्यूब। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे से? बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, ऐसे इवेंट पे निकलते हैं वहाँ पर फोकस करके, फिर मैं तुम लोग को वहाँ का चीज़ें बताता है क्या है। इट
इट इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग इवेंट. टाइम स्पेंड करने का ट्राई करेंगे जितना हो सके, क्योंकि उधर मेरे को काम भी करने हैं, थोड़ा सा शूट भी करने हैं, बट मैं मैनेज कर लूँगा मेरे को ऐसा लगता है. विद दैट सेड आई विल सी यू एट अंदाज होटल अपने अंदाज में. Maybe मेरे अंदाज में. इसको मैंने फोटो खींचने बोला था यार, इतना हंस रही है मेरे पे, मेरे फोटोज पे. ये कितना नाइस फोटो है. ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने खींचा है, बट इससे पहले वाला दिखाने दे, रुक जा. पीठ देखो इसका. इसको कैंडिड चलने बोला है. भाई मैं सोच ही रहा था, मेरे को अपना वाला स्कूल का फ़ोन दिखाने का था जो मैं ओन करता था, वो ये वाला था, रेजर V3. भाई बहुत बिल्ला फ़ोन था ये, डेंजर. शम्या तुम्हारा फ़ोन किधर है? ख्यालों में सोचता था क्या ऐसा कोई मोटोरोला का फ़ोन यूज़ करता था क्यों? झूठ बोलता है तू, तू कभी यूज़ नहीं करता था. सच में झूठा साला. कौन? That's for you to decide. Gossip girl, exo exo. तेरा exo वाला, exo साबुन वाला, exo. भाई हम लोग अभी content shoot किया जो है वो अभी upload करने का तैयारी कर रहे हैं, और तभी मैं यहाँ पर इन तीनों को देख रहा था कि usually content creators work कैसे करते हैं, मतलब कितने retakes देते हैं, क्या करते हैं, वो सब मैं देख रहा था. और फिर मेरे को है ना, जो शूट कर रहा है कैमरा वाला, वो मेरे पास आया, हेलो सर, मेरे को ग्रीट किया और फिर मेरे को बोलता है कि मैं आपका वर्कशॉप अटेंड किया. मैं बोला फाक. और ऐसा ये पहला बार नहीं हुआ, काफ़ी लोग मेरे को ऐसा आके बोले. तभी मैं रिया को पूछ रहा बोल रहा था कि फक, मेरे को तो बहुत सारे लोग जानते हैं. समझे तुम लोग, अच्छा लगता है मेरे को ऐसा, बट एकदम वियर्डली नाइस फीलिंग है मेरे को, इतने लोग जानते हैं हर जगह पर जिधर भी जाता हूँ. भाई इवेंट से हम लोग निकल गए, कैसा लगा तुम्हारा एक्सपीरियंस, कैसा था? एकदम कूल था ना? बहुत नाइस. बहुत सारा चीज ऐसा था कि हम लोग, मतलब एडवर्टाइजिंग कितना नाइस चीज है, कितना इनोवेटिव बना देता है कोई भी प्रोडक्ट को. अभी तो घर पे जाके हम लोग खुद टेस्ट करेंगे. हमको दो फोन दिए वो लोग ने, हम लोग एकदम खुश है उससे ना. मतलब ये वन ऑफ द हमारा बिगेस्ट गिग हो गया. फोन मिला हमें. फोन मिला मतलब फोन तो किसी क्या, फोन मिलना क्या होता है. तो अभी वही है, फोन हम लोग को दिया. और तुम मानता है कि नहीं कि टाइम पे इवेंट पे पहुंचना अपने काम के जगह पर कितना डिफरेंस गिराता है. मैं तो हमेशा टाइम पे पहुंचती हूँ, तुम हर जगह लेट. मैं हर किधर भी लेट नहीं करता. तुम हर किधर भी लेट करते हैं. काम का जगह जिधर मैं टाइम पे पहुंचती हूँ, प्रोफेशनली ये किया है, जहाँ पे ये मिले वहाँ पे टाइम पे पहुंच जाता है, यहाँ पे ये नहीं मिले. मैं तो हर जगह टाइम पे पहुंचती हूँ, मोमेंट प्लीज. बट ये बोल रहा था, आज तुमने मेरे को बोला ना
कि तेरे को ही आने का था ना टाइम पे, ले क्योंकि हम लोग सबसे फर्स्ट क्रिएटर्स थे जो लोग ऑन टाइम मतलब .11 बजे हम लोग पहुंच गए। जो हमारी कोऑर्डिनेटर थी वो इतनी खुश थी, और सबसे लास्ट थे हम लोग निकलने वाले। बट हम लोग सब जगह से इतना दूर रहते हैं ना। तुमको पता है मेरे में ये चेंज क्यों आया काम वाला? पता है तुमको? मेरी वजह से पता है। मुंह देख गोपाला गोपाला हरि कृष्ण जैसा मुंह इसका। मेरे को है ना एक टाइम था जब मैं मुंबई में था, तो मैं इतना एड शूट्स करता था, इतना ऐसा प्रोफेशनली काम कर रहा था, तभी मैं बहुत ऐसा लेट बैक था। मैं मेरे लिए वैसा होता था कि हर जगह पर लेट पहुंचूंगा तो फन है भाई, बहुत काम है वैसा लगेगा। यंग भी था ना तभी, और काम कराते थे तो छुप जाता था जाके वॉशरूम में बैठ जाता था ऐसा वैसा करके, हाँ ढूंढते रह जाते थे लोग मेरे। तो मेरे को ऐसा लगता था कि इजी मनी कितना नाइस है, जब मेरे को कुछ करना ही नहीं तो मैं कुछ कर बिना करे भी मेरे को पैसा मिल रहा तो मैं कुछ करके क्यों, वैसा फॉर ग्रांटेड लेता था। फिर आया लॉकडाउन का टाइम और उसमें एहसास हुआ कि ओ शिट काम कितना इम्पोर्टेंट है, और उसमें हम लोग ने लेजिट कितना हंट किया है घर पे बैठ बैठ। बेसिकली जब मैं मिली तभी तुमको समझ में आया, तो मैंने भी तो वही बोला तो वही है। उसके बाद से अभी मैं ऐसा लॉकडाउन के बाद से अपने काम को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इतना ज्यादा मतलब ऐसा इसके साथ लेता हूँ कि भाई काम है तो सब कुछ है। और मतलब एज एन ऑर्गेनाइजर फिर मेरे को पता भी चलता है ना कि कोऑर्डिनेटर्स के लिए कितना डिफिकल्ट है, कि मतलब उन लोगों का कुछ ये नहीं है, उन लोगों का काम है इवेंट में कोऑर्डिनेट करना है, 100 इन्फ्लुएंसर्स को संभालने का बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है वो। मतलब मेरे को उनके लिए थोड़ा सा ऐसा हार्टली सिंपथीज है, इसके लिए मैं हर जगह पर टाइम पे पहुंच जाता हूँ। मेरे को नहीं चाहिए कि मेरे वजह से कोई एक्स्ट्रा परेशान हो। अभी हम लोग खाने जाएंगे, हॉर्न मार रहे हैं क्या? नहीं नहीं, अभी हम लोग सुशी खाने जाएंगे और शायद से निकल जाना चाहिए गाइस हम लोगों को। बाय बाय। नहीं नहीं क्या कर रहे, साथ क्या दे रहे, लोगों को लगे तुम पद्दू अद्दू किया है मेरे साथ। हाँ।